में खालिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को खालिस्तान बना हम साथ देंगे, पर भारत में कोई भी टूट फूट नहीं होने देंगे। ये हमारा क्योंकि पाकिस्तान जैसा एक खालिस्तान हमने बना दिया तो हमें यहाँ से वीजा लेके जाना पड़ेगा, वो कोई अलग स्टेट नहीं होगा सर। कनाडा में क्यों कर रहे हो, कनाडा वालों की औकात है क्या जो आके यहाँ पे खालिस्तान बनवा देंगे? भेजो, देखते हैं कितने कनाडा वाले बनवाते, भेजो। देखिए हिंदुओं को जगाना भी तो जरूरी है। कब जागेंगे भाई? जाग गए हिंदू, आज वोट 2023 में जाग गए। सुन तो लो, 2024 2014 मोदी जी ने क्या कहा, सबका साथ सबका विकास, कितनी सीटें जीती? 282। फिर दो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, 2019 लोकसभा चुनाव 303 सीटें। अब 2024 में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, 2024 में 400 से ज़्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमर सांसद से कहेंगे, संसद में पहुंच के वो ये कहे कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सांसद से तो कहेंगे, लेकिन ये अमृतपाल सिंह खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, इनसे क्या कहेंगे आप? मैं तो मोदी सरकार से कहूँगा कि इस पे बैन लगा दे, जैसे PFI पे बैन लगाया है। समय तभी होएगा ठीक जब PFI की तरह अमृतपाल सिंह के संगठन पे बैन लगेगा। एक 29 साल का युवा जो अभी दुबई से लौटा है, जब वो दुबई से लौटा है तो वो देखो क्या क्या हरकतें कर रहा है। एक देश को अलग बांटने की बात कर रहा है, भारत माता के टुकड़े करने की बात कर रहा है। मैं कहूँगा अमृतपाल सिंह जी, अगर आपको अगर खालिस्तान बनाना ही है तो पाकिस्तान की धरती पे जो हमारा पंजाब है उसे खालिस्तान बना, पाकिस्तान को ही बना लीजिएगा ना, वो भिखारी लगातार कटोरा लेके उसे खालिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को खालिस्तान बना हम साथ देंगे, पर भारत में कोई भी टूट फूट नहीं होने देंगे। ये हमारा संकल्प है, भारत को अखंड रहने देंगे, इसकी एकता और अखंडता की हमने कसमें खाई है, हम भारत माता के सपूत हैं। अगर बात करोगे अफगानिस्तान की तो उसे बनाओ, लेकिन भारत में विखंडन मत करो, क्योंकि पाकिस्तान जैसा एक खालिस्तान हमने बना दिया तो हमें यहाँ से वीजा लेके जाना पड़ेगा, वो कोई अलग स्टेट नहीं होगा सर। यहाँ वहाँ से यहाँ लोग आएंगे, बंगला साहिब आएंगे, गुरुद्वारा शीशगंज आएंगे, या वहाँ जाएंगे ननकाना साहिब, नांदेड़ साहिब, पटना साहिब, तो वीजा लेके जाना पड़ेगा। वो दिन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस देश में सब एक साथ रहें, लेकिन हिंदुओं की छतरी के अंदर, और ये देश जल्दी हिंदू राज घोषित हो, ये जल्दी अखंड हिंदू राज घोषित हो, सनातन राज घोषित हो। जैसे योगी जी ने कहा, भारत का पहला धर्म जो मूल धर्म है वो सनातन धर्म है, वैसे ही इस देश को सनातन राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। देखिए किस तरीके से लोगों का लगातार कहना है, और लोगों के बीच मौजूद हूँ भाई साहब। ये भाई साहब भी क्या कह गए, 2014 से मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, अब 2014 से 2023 आ चुका है, हिंदू अब तक जागा नहीं, और खालिस्तान की मांग उठने लगी पंजाब में फिर से। भैया ये सब, पहली बात तो ये जो खालिस्तान की मांग उठ रही है उससे इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। वो मांग वो इंडिया में रही है ना, वो इंडिया में रही है, लेकिन फंड उसको पाकिस्तान, यूके, कनाडा वाले कर रहे हैं ना। इनको बनाना होता है खालिस्तान, ये अपना जो भी मीटिंग वगैरह करना होता है वो करते हैं कनाडा में, यूके में करते हैं, जो भी मेमोरेंडम करना होता है वो यूएसए में करते हैं। अरे तुम्हें अगर बनाना है खालिस्तान तो इंडिया में आके करो ना, दमे तो आओ इंडिया में करो, देखते हैं हम तुम्हारे अंदर कितना गुदा है, आओ करो मेमोरेंडम इंडिया में, क्यों कनाडा में क्यों कर रहे हो? कनाडा वालों की औकात है क्या जो आके यहाँ पे खालिस्तान बनवा देंगे? भेजो, देखते हैं कितने कनाडा वाले बनवाते, भेजो। करना है तो इंडिया में करो, और ये बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान को खालिस्तान बनाना है, इसको पंजाब को, तो एक पंजाब तो लाहौर साइड में भी है, पहले वहां जाओ, वहां तो तुम्हारी औकात है नहीं जाने की, क्योंकि वहां से फंड आ रहा है। इनको करना है सिर्फ इंडिया में ही करना है, पता है इंडिया में सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, हम कुछ भी आएंगे भोग के चले जाएंगे, कुछ होने वाला तो है नहीं, तो आते हैं भोगते, तो इनको भूखने दो, कुत्तों का काम आता है भूखना, हाथी चुपचाप शांत चलता है, तो भारत सरकार अपना काम करे, ये कुत्तों पे ध्यान ना दे, ना ध्यान दे। लेकिन आप ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य 2024 चुनाव आने से पहले रामचरितमानस पर टिप्पणी कर देते हैं, पठान में भगवा रंग का इस्तेमाल हो जाता है, और अब हिंदुस्तान को टारगेट किया जाता है, क्या 2024 चुनाव से ऐसा कौन सा डर है इन लोगों को, कौन सा नशा है उसमें? स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आने से पहले बीजेपी में थे, तो वहां पे राम राम करते थे, जो कि पार्टी का जो मेन एजेंडा है राम राम वाला। अब ये चले गए सपा में, क्योंकि बीजेपी में इनका कुछ हो नहीं पाया, अब सपा में गए तो सपा वालों का तो एक फिक्स है कि हमें हिंदू तो वोट देंगे नहीं, वो तो बाबा के साथ ही है, तो हमारे जो भी मुस्लिम और यादव वोट है उनको बचाना है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ हिंदुओं को विरोध में, मुसलमानों को खुश करने के लिए कुछ भी अंडसंड बकते रहते हैं, तो वो बके। ये बताइएगा, एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, दूसरी तरफ खालिस्तान की मांग हो रही है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री से घबरा गए क्या ये लोग? क्यों नहीं घबराएंगे, ये दो दो करोड़ पांच पांच करोड़ देके आटा देके और
तलवार के दम पे कन्वर्जन करवाते हैं। अब जो हमारे बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो शांतिपूर्वक घर वापसी करवा रहे हैं, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है, इनका एजेंडा चल नहीं पा रहा है, तो ये सब इनका जो भी सब एजेंडा है वो सब फेल होता चला जा रहा है, तो इसी वजह से परेशान है, इसी वजह से उन पर झूठे झूठे एलिगेशन लगा के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें भी सो कॉल्ड जयचंद कुछ है हमारे ही खुद के, उसमें सुहानी शाह जैसे लोग और भी कई लोग आ जाएंगे, वो बोलेंगे ये ढोंग है, ये जादू है, मैजिक ट्रिक है, तो भैया तुम करके दिखाओ ना, तुम भी आ जाओ, हम तुम्हारा भी समर्थन करेंगे, तुम करके दिखाओ, तुम्हारे अंदर इतना दम है तो नहीं करेंगे, बस टीवी पे आके बड़बड़ करना है, बड़बड़ करके चले जाना है। और जहाँ तक रही बाबा की, तो हम उनके बिल्कुल साथ है, एकदम खड़े हैं। क्या 2024 चुनाव पे या मोदी जी पे कोई फर्क पड़ेगा इस खालिस्तान की मांग का, और फिर से क्या इंदिरा गांधी वाला हाल करना चाहते हैं यहाँ पे? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अब पंजाब में जब भी चुनाव होगा तो बीजेपी सरकार ही आएगी इस खालिस्तानी की वजह से, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो भी ढीलापन था वो सब दिख गया है। तो दो जहां तक रही 2024 की बात, तो 24 में प्रधानमंत्री चाय वाला बनेगा, 29 में प्रधानमंत्री हमारा गाय वाला बनेगा, बाकी सब